नमो रत्नात्रेय नमो अवलोकितेश्वरय विदुते कल्पना जलम गंभीरोदारमूर्तये नमन समन्ता भद्रय समन्ता तिशे श्रद्धेय प्रवजित संघ केंद्र उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान की कुलपति महोदय, कुलसचिव, सहायक कुलसचिव एवं अन्य अधिकारीगण, प्राध्यापक वृंद, कर्माचार्य समूह और स्नेह पात्र छात्र एवं छात्राएं, मुझे पता नहीं क्यों इस समय सारनाथ संस्थान में आकर के आप सब से मिल रहा हूँ और कुछ बातें आपके सामने रखने के अवसर दिया जा रहे हैं। ऐसा कोई विशेष प्रयोजन नहीं थे कि मैं यहाँ आऊँ और आपसे साक्षात कुछ वार्तालाप करें। इस सब इत्तेफाक संयोग घटनाएं हैं। बुधगया में संस्था यहाँ यहाँ के पूर्व छात्रों के संघ संयुक्त होकर के परम पावन जी का दीर्घायु प्रेयर की प्रार्थना के आयोजन किए थे। उस समय कुलपति जी अभी नए नियुक्ति हुए थे तो मुलाकात हुआ, तो उन्होंने कहा कि सारनाथ चलना चाहिए। मैं बिना कोई सोचे समझे कह दिया कहाँ आएंगे। तो बाद में सोचा कि मैंने क्यों हाँ कह दिया, कोई कारण तो होना चाहिए। कुलपति जी ने भी कोई कारण नहीं बताया, मैंने भी उस समय कोई कारण पूछा नहीं। लेकिन तिब्बत में एक कहावत है, शब्द जो है मुंह से निकल जाते हैं तो फिर पकड़ने की कोई जगह नहीं छूटते हैं। तो अब कह दिया तो फिर उसको मना करना भी सही नहीं थे। एक बार हाँ करके फिर नहीं आएंगे तो लोग उसका और टिका टिप्पणी भी कर सकते हैं, क्यों नहीं आया, क्या हुआ, को क्या उसके कारण थे। तो फिर मैं चले आया। तो अभी आप लोग कह रहे हैं कि कुछ कहना चाहिए। मेरे पास कुछ कहने की कोई विषय नहीं है। विशेष रूप से संस्था की उद्देश्य और परियोजना के विषय में हमसे ज़्यादा आप लोग जानते ही हैं। फिर भी मानव समाज विचारों के आदान प्रदान की पृष्ठभूमि पर टिके हुए हैं। जो वस्तु जानकारी में है उसको पुनः व्याख्यान करने पर भी कुछ न कोई नए अनुभूति निकल सकते हैं, ऐसा माना गया है। तो इसलिए आज की ये क्षण है, अवसर हैं,
इसको मैं संस्था की इतिहास, इसका उत्पत्ति कैसा हुआ, कौन लोग इसकी उत्पत्ति का जिम्मेदारी थे और आगे इसका क्या दृष्टिकोण अथवा एक दिशा होना चाहिए, इस विषय में जो मेरे व्यक्तिगत अनुभूति हैं वो आपके सामने साझा करना चाहूँगा। तत्कालिक घटनाओं को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके दूर अस्पष्ट या अव्याकृत बहुत चीज़ ऐसा रह जाते हैं जो इसमें रहने वाले लोगों को भी कभी कभी समय के ज्ञान की अभाव हो सकता है। और विशेष बात ये भी है कि आधुनिक सभ्यता में जो मनुष्य की जीने की एक नए पद्धति बने हैं वो बहुत शीघ्र गति की ओर प्रेरित करते हैं। जितना कम समय में कोई चीज़ साधी जा सकते हैं उसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं, और इसमें एफिशिएंसी उसको कहते हैं। कहीं चलना हो तो सबसे शीघ्र वाले यान को, या कुछ काम करना हो तो सबसे कम समय में, तो उससे जो दूर के कारणों का या जिस घटनाक्रम से एक नए घटनाक्रम को उत्पन्न किया है उसमें थोड़ा कांति यहाँ जाने लगता है। 19वीं सदी में 18वीं सदी के अंत से लेकर के 19वीं सदी 20वीं सदी में इस जगत की मैं कह रहा हूँ कि इस पृथ्वी पर, भूगोल पर बसे हुए जो एक मानव समाज हैं, इसमें बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन को दो दृष्टिकोण से देखा जाते हैं। एक दृष्टिकोण है विकास। पहले मानव बहुत पिछड़ा हुआ था, साइंस और तकनीक की जानकारी से पिछले दो तीन शताब्दियों में मनुष्य ने बहुत विकास किया है, यह एक दृष्टिकोण है। और परंपरा वाले कहते हैं कि समय के ह्रास होता है, सत्ययुग से त्रिधा में, त्रिधा से ऐसा करके आप कलयुग में आ गए हैं, और कलयुग के जो दोष हैं वो पिछले 200-300 साल में बहुत अधिक प्रकट हुआ है। ये दूसरा दृष्टिकोण है जिसको पश्चात वाला कहते हैं वर्ल्ड व्यू। ये दोनों वर्ल्ड व्यू में कौन सत्य हैं कौन असत्य हैं इसका निर्णय तो बहुत बाद में होगा। अभी दोनों अपने अपने पक्ष को, चाहे कोई युक्ति हो या ना हो,
लेकिन उसमें सुदृढ़ से पकड़ कर रहना चाहते हैं। इस समय अधिकांश मनुष्य तथाकथित विकास को महत्व देते हैं और ये एक प्रकार से जागृतता के रूप में देखते हैं। रिनाउंसेंस इत्यादि के शब्द कहा गया है। लेकिन हम केवल इतना ही कहते हैं कि आज से 200-300 पहले जो मनुष्य के जीवन में संतोष और खुशियां थे और आज बहुत अधिक विकास करके हम एक बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में पहुंच गए हैं। इस समय हमारा संतोष और चित्त की शांति और आनंद की अनुभूति वो कितना होता है। सभी मनुष्य ये सब विकास को लेकर के चिंता मुक्त और बहुत संतोष से जी रहे हैं या भय और आशंका की छाया में जी रहे हैं। इसका परीक्षण करने से, अपने व्यक्तिगत जीवन में इसका परीक्षण करने से कौन सा विश्व की दृष्टि, जो मैंने दो कहा है, उसमें कौन सही है कौन गलत है, ये अधिकांश व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की परिस्थितियों से परीक्षा करेंगे तो आपको ठीक ठीक समझ में आएगा। गांधी जी ने यथार्थ को बहुत स्पष्ट रूप से देखा। ये प्रकृति और ये जीव, ये परस्पर आश्रित हैं। ये दोनों के बीच में संतुलित संबंध रहें तो सब लोग सुखी और शांति रहेंगे और इसमें असंतुलन आ जाएंगे तो दुख ही दुख होगा। ये उनका दृष्टि तथागत समय संबुद्ध की दृष्टि से बहुत भिन्न नहीं थे। वो एक प्रकार से बहुत दृष्टि कहा जा सकते हैं। दूसरे पृष्ठभूमि से सोचा जाए, गांधी जी अत्यंत ईश्वरवादी थे और बौद्ध लोग अनिश्वरवादीन हैं। तो ये दोनों के बीच में दृष्टिकों का समता होना एक प्रकार से असंभव जैसा लगता है, लेकिन उस असंभव को संभव गांधी जी ने अपने जीवन की कार्यकल्पों से यथार्थ में प्रदर्शित किया है। यही के बाद विशेष बात है। संतुलन तभी रह सकते हैं, उनका कहना ये है कि मनुष्य की जितना आवश्यकताएं हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले कीड़ा मकोड़े से लेकर के हाथी और डायनासोर तक के जितना भी जीव जंतु हैं, उनकी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता इस पृथ्वी की प्रकृति के संसाधनों में हैं। परंतु यह एक जीव की या एक मनुष्य की लोभ को पूर्ति करने की क्षमता नहीं रखते हैं। आवश्यकता पर आधारित जीवन जीना
और लोभ पर आधारित जीवन जीना, ये दोनों बहुत ही भिन्न हैं, इसका अंतर बहुत ज़्यादा है। प्राचीन समय में मनुष्य में इतना शक्ति थे कि वो अपने आवश्यकताओं को समय के रूप संपूर्ण करने की उत्पादन करने की क्षमता रखते थे और उस अधिक के उत्पादन करने की क्षमता नहीं रखते थे, तो इसलिए वो संतुलन बना रहा। साइंस और तकनीक के विकास से मनुष्य को एक चीज़, एक अनावश्यक चीज़ मिला, वो आवश्यकता से अधिक के उपभोग वस्तुओं को ज़्यादा उत्पादन करने की क्षमता मिल गए और वो केंद्रित करण भी हो गए, तो इसलिए जो मनुष्य की आवश्यकता है उससे अत्यंत अधिक के चीज़ों को उत्पाद करने की जो क्षमता मनुष्य को मिल गए, तो उस उत्पादन को क्या किया जाए, उसको लाभदायक बनाने के लिए मानव के हृदय में बीज रूप में रहने वाले लोभ को वृद्धि करने की उपाय सोचा गया। संतुलन और प्रतिस्पर्धा, ये दो चीज़ बहुत सरल उपयोग उपाय दिखा गया। इसको उपयोग करके मनुष्य को अपने आवश्यकता क्या है उसकी जानकारी को समाप्त कर दिया। मनुष्य की आवश्यकता क्या है ये उत्पादक लोग बताने लगे, तो जब से लोभ आधारित जीवन पद्धति शुरू हुआ तब से इस दुनिया में बहुत अधिक परिवर्तन, संघर्ष, हिंसा वृद्धि हुए, जिसको कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, सबके सामने प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध लड़े गए और अघोषित कितना युद्ध लड़े गए और कितना हिंसा और आतंक के कार्य में वृद्धि हुआ, ये सब प्रत्यक्ष हैं। जिसकी पृष्ठभूमि में पूंजीवाद का एक अर्थव्यवस्था के उदय हुआ, जिसके कारण कार्यकर्ता और कृषक सबसे अधिक शोषित हुए। जिसके हाथ में पूंजी होगा उसके हाथ में सब चीज़ चले गए। इन शोषित वर्ग को देख करके कार्ल मार्क्स ने एक नई चीज़ सोचा, एक समय बाद अर्थव्यवस्था होना चाहिए। उनका विचार बहुत अच्छे थे, समता की विभाजन, जो अर्थ उत्पादन है वो सबको सम रूप में मिलना चाहिए, तो जिसका बहुत सरल एक सिद्धांत थे, हर व्यक्ति को अपने शक्ति के अनुसार उत्पादन में योगदान देना चाहिए और हर व्यक्ति को उनकी आवश्यकता के अनुसार
चीज़ों को उपलब्ध होना चाहिए, ये सही था। परंतु उसके उपाय के लिए हिंसा और अपशोध के माध्यम से करना चाहिए, ये मास के बाद में लेनी वगैरह के विचार था। तो जिससे वो अच्छे सिद्धांत को प्रयोग में लाने में गलत उपाय अपनाया गया, जिससे संपूर्ण विश्व में समयवाद का अच्छे सिद्धांत चल नहीं पाए। पूंजीवाद की बोलबाला बहुत अधिक बढ़ने लगे और उससे अतिरिक्त जितना भी वाद थे, विशेष रूप से समाज और अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, उस पराजय को प्राप्त हुआ। एक लेखक को मैं जानता हूँ जिसने अपने द्वारा रचित ग्रंथों को दिया भी था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, मैं पढ़ने में बहुत आलसी हूँ। तो उसने लिखा कि द वर्ल्ड इज रूल्ड बाय कॉर्पोरेट्स, वो कई वर्षों पहले की बात है, आज तो वो यथार्थ में हो गए हैं। आज संपूर्ण विश्व कुछ औद्योगिक घरानों के माध्यम से संचालित हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चीन हो, या चाहे वो छोटे छोटे देश हो, सब निर्वाचित या लोकतंत्र के माध्यम से आने हुए जो शासक वर्ग हैं वो केवल मुखटा है। उस सब का संचालन एक दो पूंजीपति करते हैं। अब पूरा दुनिया में वो ढूंढिए, एक भी देश ऐसा नहीं मिलेगा जो देश निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से चलते हो, उसके पीछे पूंजीवाद के घरानों का संचालन नहीं हो, ऐसा कोई देश आज मिलता नहीं है। तो इसलिए भोगवाद की जो पूरा मानव मात्र पर कब्जा हो गए हैं, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति लगता नहीं है। तो इस परिवर्तन के दौर में बहुत सा सांस्कृतिक, बहुत सा राष्ट्र, बहुत सा सभ्यता हानि पहुँचे हैं, समाप्त की कगार पर पहुँचा दिया है। ये पिछले 200 साल की कहानी है, इसको लोग देखते नहीं हैं, एक व्यापक दृष्टि से इसको देखना चाहिए। कुछ पश्चात विद्वान लोग या पत्रकार लोग हमसे पूछते हैं कि चीन के साथ तिब्बत हजारों वर्ष तक बहुत मित्रता संबंध में रहा है, फिर ये 20वीं शताब्दी के अंत में चीन ने तिब्बत को क्यों कब्जा कर लिया, ऐसा क्यों हुआ? तो मैं उनको कहता हूँ कि यूरोप अमेरिका में पूंजीवाद के सिद्धांत का विकास हुआ, उसलिए तिब्बत चीन कब्जा में चला गया। तो वो कहते हैं कि ये कैसा संभव है, ये तो आपका उत्तर जो है वो सही बात नहीं है। पश्चात में पूंजीवाद के विकास और एशिया में एक देश से दूसरा देश पर आक्रमण करने में क्या संबंध है? तिब्बत में एक कहावत है,
go carches on slabdi call, Kuluk dunchon slabris. That is her. Tomorrow serva kyun chot lagahe. Toski, you up me, mere peaches, say, kiss Januar Nedaka did ya. Peaches a daka denis a silver kesa. Peaches a daka denis o girge, to silver chotra. तो ये कोई असंबंध बात नहीं है। भोगवाद के विकास की और सारे मानव कुछ पूंजीपतियों के नियंत्रण में जाने के फलस्वरूप 20वीं शताब्दी में चीन गए, रशिया गए, तिब्बत गए और बहुत और देश शिक्यान हैं। इस तरह से कई देश में विभाजन हुआ, बहुत सा देश स्वाधीन भी हुआ, वो अनेक घटनाएं घटे। तो आज संपूर्ण विश्व में कोई पूंजीवाद के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था बचा नहीं। बहुत उम्मीद थे शुरू में रशिया और चीन समयवाद का पालन करेंगे। उसको पालन करने के लिए ही इतना बड़ा हिंसा हुआ। इतना बड़ा संघर्ष हुआ, लाखों करोड़ों लोगों के ज्ञान गए, संपत्ति गए, लेकिन अंतर्गत हुआ कुछ ही दशक में हम लोगों के जीवन काल में रशिया कैसा पूंजीवाद बने, चाइना कैसा पूंजीवाद बने और उस पूंजीवाद के साथ तानाशाही के शासन बने रहे। किसिंगर अमेरिका के एक प्रसिद्ध राजनायक थे, अभी कुछ दिन पहले उनका देहावसान हुआ। उनका कहना था कि अर्थव्यवस्था में खुलेपन आएंगे तो शासन व्यवस्था तानाशाही रह नहीं सकेंगे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन विल लीड टू दी ऑटोमेटिक लिबरलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इस सिद्धांत को लेकर के चीन पूंजीवाद होने के लिए अमेरिका ने बहुत सहायता किया, ना केवल पूंजी निवेश करके अपितु सब तकनीक और बाजार खुजवा करके, और चीन आज पूंजीवाद बन गए लेकिन मानववाद नहीं बन पाए। उनका राजनीतिक परिस्थिति, प्रजातंत्र या लोकतंत्र के ओर जाने की बात को छोड़ करके और उनका तानाशाही बहुत सुदृढ़ होने में ये पूंजीवाद का सहायता मिला। लोभ आधारित अर्थव्यवस्था जो है वह शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की परिवर्तन लाना या नियंत्रण करने में बहुत सुविधा रहते हैं। जहाँ अर्थ शक्ति एकत्रित होता है वहाँ पर समस्त शक्तियाँ एकत्रित अपना आप हो जाते हैं। तो जिसकी नुकसान जो है, हानि जो है, वो साधारण जनता को
भोगना पड़ता है, और केवल जानता ही नहीं, शिक्षा, सभ्यता, सांस्कृतिक और परंपरा सब इसमें क्षति हो जाते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि विविधता ना रहें, वैश्वीकरण का एकमात्र अर्थ यही है, हर चीज़ को एक जैसा बना दिया जाए, यूनिफॉर्म जिसको कहते हैं वो बना दिया जाए। जहाँ पर विविधता नहीं रहेंगे तो वहाँ पर आर्थिक दृष्टि से शोषण करने में वह सुविधा मिलते हैं। प्राकृतिक रूप से जगत विविधताओं से बनते हैं, विश्व का शब्द अर्थ यही है कि विविधताओं से भरे हुए चीज। अंग्रेजी भाषा में भी यूनिवर्स का यही है, विविधताओं का एकता। वो नहीं चाहते हैं एक ही में ही एकता, जिससे वह सरलता से मनुष्य को हमेशा उपयोग करता ना रहें, केवल उपभोगता करता रहें। हम लोगों की जीवन काल में ही 40-50 वर्ष पहले हम लोग सोचते थे अपने को हम यूज़र हैं, उपयोग करने वाले हैं संसाधनों का। लेकिन ये पिछले कुछ दशकों में संपूर्ण मनुष्य को उपयोगकर्ता से उपभोगकर्ता में परिणित कर दिया, यूज़र से कंज्यूमर में परिणित कर दिया। आज हम एक कंज्यूमर हैं, और कंज्यूमर के लिए वस्तुओं को, उपयोगी वस्तुओं को समाप्त करने की, उपभोग करने के अतिरिक्त हम समय की दृष्टि से उपयोग कर नहीं पाते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ी प्राचीन भारतीय या प्राचीन जगत की जो सांस्कृतिक परंपरा है वो नष्ट होने लग गए हैं। उस नष्ट होने की प्रक्रिया में तिब्बती सहित बहुत सा समूह, बहुत सा जनता, बहुत सा राष्ट्र शिकार हो गए, कुछ समाप्ति हो गए, कुछ अभी समाप्त होने की कगार पर हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में तिब्बत की संस्कृति को और सभ्यता को समाप्त करना चीन शासकों का एक बहुत बड़ा उद्देश्य बन गया था, क्योंकि संपूर्ण चीन में तिब्बत, मंगोलिया और मैचूरिया ये तीनों बहुत सांस्कृतिक के अनुयायी थे और बौद्ध संस्कृति में जीते थे। तो वह उनकी अपने पूंजीवाद मूलक तानाशाही को कायम रखने में एक चुनौती के रूप में देखने लगे थे। तो इसलिए ये सब
जो चीन की पूंजीवाद तानाशाही की पद्धति से मिल नहीं खाने वाले जितना भी सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं, साहित्य हैं, उन सब को पूर्ण रूप से जब तक नष्ट नहीं हो जाएंगे तो चीन के अपने शासन को स्थित्व नहीं मिलेगा, इसका बे उनको सता रहे थे प्रारंभ से ही आज तक। तो उस प्रक्रिया में जो हम लोग पीड़ित हैं, शिकार हैं, तो जिससे हम बचने के लिए प्रयासरत था, इस बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुआ। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत से अनेक देश स्वाधीन प्राप्त हुआ, आंशिक स्वाधीन प्राप्त हुआ। जिस प्रकार के स्वराज गांधी जी चाहते थे वो तो नहीं हुआ, परंतु राजनीतिक की दृष्टि से पृथक बहुत सा देश हो गए, जिसमें हिंदुस्तान भी सम्मिलित हैं। लेकिन आज भी मैकॉले की शिक्षा तो नहीं कहना चाहिए, एजुकेशन पद्धति हम डो रहे हैं। राधा कृष्ण कमीशन से लेकर के रामामूर्ति कमीशन तक, मुझे याद नहीं है कितना कमीशन बिठाया गया, लेकिन मैकॉले को उखाड़ कर बाहर नहीं फेंक पाए। राजनीति की दृष्टि से हम स्वाधीन होने पर भी भाषा की दृष्टि से और एजुकेशन की पद्धति की दृष्टि से आज भी हम पराधीन हैं। प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में, नवी शिक्षा नीति बहुत जोर शोर से बना, उसमें हम लोगों से भी सुझाव लिए किए, पता नहीं लाखों सुझाव कहाँ कहाँ से आए होंगे, अब वो प्रचलित हैं। लेकिन उसमें मैकॉले का बू जगह जगह बढ़ाते हैं आज भी, उससे पूरा हम निकल जाएं तो हम दुनिया में अकेला हो जाएगा और एक प्रकार से दुनिया की समूह में अपने को एक प्रकार से हीनता भाव से ग्रस्त होंगे, ऐसा बहुत लोगों के हृदय में भय है। तो इसलिए हम लोग इस समय मात्र तिब्बती परंपरा को, संस्कृति को, सभ्यता को बचाने की, संरक्षण और सुरक्षित करने की प्रयास मात्र नहीं कर रहे हैं, वो तो उस प्रयास करना तो हमारा उद्देश्य है, लेकिन उसकी जो व्यापक पृष्ठभूमि है वो एक परिवर्तनशील और परिवर्तन उन्मुख एक दो सभ्यताओं की संघर्ष की एक छोटा अंश है। जब तक हम व्यापक एक विविधता को रहना है या विविधता रहित एक ही झुंड में सब जाना है, ये संपूर्ण मानव जात के समय दो विकल्प प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें हम विविधता को रखना चाहिए, विविधता के बिना
एकता कोई अर्थ होता नहीं है, समन्वय के बात होता नहीं है, सब चीज़ें एक ही जैसा हो जाए तो उसमें समता भिन्नता की रेखा ही मिट जाएगा। तो एक प्रकृति में विविधता की आवश्यकता और उसके महत्व हम भूल जाएंगे। प्रकृति ने या अगर ईश्वरवादी हो तो ईश्वर ने इस पृथ्वी पर इतना संख्या में 70-80 बिलियन की संख्या में जो मनुष्य उत्पन्न किया है, मनुष्य उपस्थित हैं, या उसमें क्यों नहीं मिलते हैं दो एक जैसे। एक साथ जन्म लेने वाले दो जोड़े बच्चे को भी अपने अपने पहचान रहता है, ये श्याम है ये राम है, नाम रख दिया जाए तो उसका पहचान बहुत एक जैसा होने पर भी। चने के हजारों दानों में भी अपने अपने एक विशेषता परिलक्षित होते हैं। तो ये प्रकृति के नियम हैं। इस प्रकृति के नियम को हटा करके संपूर्ण एक रूपता में वैश्वीकरण के अंतर्गत केवल मनुष्य का जीवन का अर्थ कंज्यूम करना है, उपभोग करना है, उपभोग करके उत्पादन करने वालों को मुनाफा देना है, इतना ही जीवन का उद्देश्य रह जाए तब इस जगत की अर्थ क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न से जूझते हुए हम लोग एक योग के, योग परिवर्तन के, और योग परिवर्तन दृश्यगत अदृश्यगत दोनों के ओर से जो हो रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा सर्वोन दायित्व को लेकर के एक कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए इस संस्था के अध्यापक हो, कार्यकर्ता हो, छात्र हो, इन सब के ऊपर एक सर्वोन दायित्व, यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा है। इस यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसा निभाया जाए, कैसा वहन किया जाए, इसमें सबसे प्रथम महत्व स्व को पहचाना है। मैं कौन हूँ और क्या हूँ, क्यों हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है, इन सब के विषय में मानना छोड़ करके जानना होगा। मैकॉली की शिक्षा पद्धति में, मैकॉली की एजुकेशन पद्धति में, शिक्षा तो उनके पास है नहीं, एजुकेशन पद्धति में मनवा लेते हैं, जानकारी नहीं देते हैं। अध्यापक ने कहा किताब में लिखा हुआ है, अमुक साइंसदानों ने इसको आविष्कार करके सिद्ध कर लिया है, एक सर्जन से मैं पूछ रहा था कि हम बंदर की वंशज हैं, तो
तो मैंने कहा कि आप कैसे जाने, अरे वो तो बहुत पहले लिखा गया है, अमुक कथूरी है इसमें, नहीं वो तो ठीक है मैं भी जानता हूँ आप लिखा गया है, लेकिन आपने कैसा जाना, हमको जानने की क्या ज़रूरत है, वो तो सब चीज़ सिद्ध हुआ है। तो फिर मैंने पूछा कि ऐसा है, तो फिर आज मैं धर्मशाला में रहता हूँ, बहुत से बंदर घूमते हैं, उन लोगों का क्या दोष था, क्या अपराध था, वो मानव नहीं बने, जो मानव बनने वाले बंदर में कोई दूसरा जीन्स या इसमें कोई दूसरा जीन्स है इसका, अब थोड़ा बताइए, इस पर तो हमने सोचा नहीं। तो इस पर आपने सोचा नहीं तो फिर आपने मान लिया है ना कि आपने जाना नहीं है। तो जाना और माने में बहुत बड़ा भेद है, तो उस भेद को समझने बिना या जाने की इच्छा रखे बिना, तो इसलिए भगवान बुद्ध को कहना पड़ा कि मेरे वचनों को मैंने कहा है इस करके मत मान लिए, जैसा है कि स्वर्ण करने वाले जो स्वर्ण को ताप कर छेद कर रगड़ कर परीक्षा करते हैं, उस तरह से युक्ति के माध्यम से परीक्षा करके जब आपको समझ में आता है तब मानिए। ये बहुत विशेष उनका आग्रह था, उपदेश था कि हम जाने की ओर जाना चाहिए, मानने की ओर नहीं जाना चाहिए। तो इस पृष्ठभूमि में यह संस्था, यहाँ के छात्र एक अपने अपने एक बहुत बड़ा दायित्व है। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप प्रासंगिक नहीं होंगे याद दिलाने में, भारतवर्ष स्वाधीन होने वाले थे, नेहरू जी का अंतरिम संस्कार चल रहे थे 1946 में, एशिया संबंध सम्मेलन एशियन रिलेशन कन्वेंशन दिल्ली में हुआ, तिब्बती सरकार की प्रतिनिधि चीनी सरकार की प्रतिनिधि साथ अलग अतिरिक्त बुलाए गए थे, उस समय चीन सरकार ने आपत्ति किए थे क्योंकि शिमला समझौता में तिब्बत को एक स्वायत्त शासी क्षेत्र माने थे, स्वाधीनता नहीं माने थे, तो इसलिए चीन ने आपत्ति किया। तो नेहरू सरकार ने उसको ख्याल नहीं किया, तिब्बती प्रतिनिधि चीनी प्रतिनिधि से अलग एक स्वाधीन देश के रूप में मान्यता दिए थे, परंतु दुर्भाग्यवश तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने जो कार्य करना चाहिए था वो कर नहीं पाए। तो उनके साथ चलने वाले पेचे सुचिता निंटू थे, ने कहा कि हम लोगों ने जो कुछ हो सकता था किया है, अब आपके हाथ में है, अंत में ऐसा कहना पड़ा। अपने उपस्थित को, अपने स्वाधीनता को अभिव्यक्त और परिलक्षित करने में वो असफल रहे। तो उसके बाद फिर एक साल के बाद भारत स्वाधीन हुए, तो नेहरू जी ने फिर सभी
पड़ोस देशों को पत्र लिखा, उसका भी ठीक ढंग से उत्तर तिब्बती सरकार ने नहीं दिया। तो नेहरू जी को एक ऐसा धारणा हो गए बहुत गहराई से कि तिब्बत के नेतृत्व अपने देश को संचालित करने की और संरक्षित करने की क्षमता नहीं है। जो क्षमता नहीं है उसको मदद करके कोई लाभ नहीं होगा। मदद करने पर चीन नाराज होंगे, उससे भारत की राष्ट्रीय हित को क्षति पहुंचेगा। ये सोचना स्वाभाविक थे, तार्किक थे। तो तिब्बत ने अपने पांव पर खड़े होने की क्षमता को प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो इसलिए 1552 में जो कुछ घटित हुआ तो भारत सरकार एक प्रकार से मौन ही रहे, या कभी कभी चीन के पक्ष में भी मत व्यक्त किया गया। तो उसके बाद ১৯৫৪ में नेहरू जी दलाई लामा जी से पहले बार मिला बीजिंग में, थोड़ा सा वार्तालाप हुआ। तब नेहरू जी को समझ में आया कि ये सोचना ठीक नहीं है, तिब्बत नेतृत्व नहीं है, दलाई लामा के नेतृत्व में तिब्बत अपने हितों को सुरक्षित कर सकते हैं, इसका विश्वास नेहरू जी को हुआ। तो नेहरू जी ने अपने पूर्व व्यवहार जो 52 में 53 में किया था उसको सुधारने की बात सोचें। तो उस क्रम में नेहरू जी ने परमपावन जी को भारत में लाने की एक योजना बनाया, तो जिसके अंतर्गत महाबोधि सभा को दायित्व दिया गया। उस समय सिक्किम की राजकुमार महाबोधि सभा के अध्यक्ष थे। तो 1956 बोधि जयंती के लिए दलाई लामा जी को निमंत्रण दिया गया। तो चीन सरकार ने कहा कि महाबोधि सभा एक गैर सरकारी संगठन है, इसकी निमंत्रण पर दलाई लामा जी जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की हिसाब से ठीक नहीं बैठते हैं। तो इसलिए एक प्रतिनिधि को भेज करके दलाई लामा जी को नहीं जाना चाहिए। तब जी ये इस बात को जब पता चला तो नेहरू जी ने तुरंत डॉक्टर राधा कृष्ण उपराष्ट्रपति के नाम से एक सरकारी निमंत्रण दोबारा भेजा। उसको पहुंचाने के लिए आपा पंत उस समय फॉरेन सर्विस में थे, सिक्किम में डिजिटल इंजिन सिक्किम रेजिडेंट्स के रूप में वो काम कर रहे थे। वो आकर के दलाई लामा जी को निमंत्रण दिया और फिर उसकी प्रक्रिया में परमपावन जी और पेंचे लामा जी दोनों भारत में आने की अवसर मिला। उस दौरान नेहरू जी से परमपावन जी का, केवल नेहरू जी से ही नहीं, बहुत सा जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन वगैरह उस समय की बहुत उच्चतम नेतृत्व थे, उन लोगों से भी कुछ साक्षात कुछ गोपनीय रूप से परमपावन जी से मिलने का मौका मिला। तो तिब्बत के भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर बहुत निमर्तन, उस पर बहुत सा विचार विमर्श होने के अवसर मिला।
तो फिर परम जी वापस लौटे। तो उसके तुरंत बाद नीरू जी ने लद्दाख के कुशो पकुला को तिब्बत में भेजा, जाकर के जरा देखिए क्या तिब्बत में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या है। पकुला जी करीब 4-5 महीना तिब्बत में रहे, 57-58 की प्रारंभ की बात है। तो लौट करके नीरू जी से कहा कि तिब्बत में अब भविष्य में कोई आशा नहीं है, चीन के माध्यम से वहाँ समस्त सांस्कृतिक और सभ्यता को नष्ट करना सुनिश्चित हो चुका है, अब उसको भारतवर्ष में संरक्षित करने की सोचना होगा। ये बकुला जी का सुझाव था। उन्होंने बहुत विवरण में दिया कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाले हैं। तो उसकी पृष्ठभूमि में उसी साल नीरू जी की सहायता से और उनकी नेतृत्व में दो ऐसा संस्थाएं स्थापित किया गया, लद्दाख में सैनी लपटा, लद्दाख इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्ध स्टडीज, तो अब इस समय तो उसका स्थापना करना यही था कि अगर तिब्बत में बहुत बड़ा नष्ट वर्ष होंगे तो उस समय यहाँ पर उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए कोई संस्था गत सुविधाएं चाहिए और तिब्बत के साहित्य को बचाने के लिए नवजल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी, अब इस समय सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, उस समय जो नाम रखा था नवजल इंस्टीट्यूट। नवजल इंस्टीट्यूट का उद्देश्य यही था कि तिब्बत में जितना भी प्रकाशित अप्रकाशित साहित्य भंडार हैं उसको नष्ट होने से पहले मंगाया जाए और यहाँ पर स्थापित किया जाए। पाली इंस्टीट्यूट नालंदा उससे पहले ही बहुत पहले ही बन चुके थे, वो भी एक ही बौद्ध सांस्कृतिक को संरक्षण करने की नीरू जी की विचारों में था। तो फिर उसके बाद 59 की घटना हुए, परम पावन जी शरणार्थी होकर के आए। तो यहाँ आने के बाद नीरू जी की परामर्श से दो चीज़ पर ध्यान दिया गया, बच्चों के लिए शिक्षा और उच्च अध्ययन के लिए बक्सा में सारे मठों की या बिहारों की अध्ययनरत विद्यार्थियों को वहाँ इकट्ठे रख करके अध्ययन को निरंतरता करना। तो उस समय विशेष रूप से तिब्बती भाषा में निहित बौद्ध साहित्यों को, सभ्यता को, वांग्मय को बचाए रखने के लिए एक संस्था स्थापित करने के, तो उसके जो परिणाम हैं ये संस्था स्थापित हुआ। इस संस्था को स्थापित करने की प्रक्रिया में बहुत सब परामर्शदात्री समूह की बातचीत हुए। इस विषय में परमपावन जी बहुत रुचि लेते थे। उस समय में डलहौज में एक स्कूल की प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत थे। एक बार कश्यप जी उस समय नालंदा की निदेशक थे, बुलाए गए और कश्यप जी के साथ बैठ कर के इस संस्था की रूपरेखा बना रहे थे। जगन्नाथ उपाध्याय जी, रामशंकर जी लोग भी उसके सहयोग थे। कश्यप जी एक प्रकार से बहुत उत्साहित नहीं थे, उनका कहना था कि बिहार की पद्धति से पेड़ के नीचे बैठ करके गुरु शिष्य संबंध से
वांगमय को जब तक अध्ययन अध्यापन नहीं होंगे, आधुनिक संस्था के रूप में कोई भी ज़्यादा खड़ा करें तो उससे परीक्षा लेंगे और प्रमाण पत्र दे देंगे और फिर नौकरी ढूंढेंगे, बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा, ऐसा भी वो सोचते थे। उनका सोचना कोई गलत बिंद बात नहीं थे। तो परमपवन जी उस समय हम लोगों को निर्देश दिया करते थे कि ये बहुत दूरगामी योजना है तिब्बती परंपरा की बौद्ध शासन के लिए। जो कुछ कर सकते हैं लेबर टू जो यूनम है ना, जितना भी बुद्धिबल इसमें दे सकें देना चाहिए, ऐसा कहा करते थे। तो फिर उसके बाद ये संस्था स्थापित हुआ। दो तीन बार छात्र मात्र बक्सा में रहने वाले लामा लोगों को प्रवेश किया गया। तो उसके बाद फिर बक्सा पुनर्स्थापित जगहों पर स्थानांतरित करने की निर्णय हुआ। तो फिर यहाँ की जो विद्यार्थी हैं वो प्रविजित अप्रविजित जो भी कोई आना चाहें आ सकते हैं। तो इसका फिर खुलासा किया गया। तो इसमें एक संस्था, आधुनिक संस्था होने पर भी अध्ययन अध्यापन और अनुशीलन की पद्धति जो बिहारों में थे वो अक्षुणता से रह सकें, इसका विचार परमपवन जी और नीरू जी दोनों सहमत थे। लेकिन भारत सरकार के बहुत से अधिकारी लोगों को ये समझ में नहीं आते थे। वो सोचते थे कि आप संस्था बनाना है कि या मठ बनाना है। एक बार जॉइंट सेक्रेटरी चौधरी ने ऐसा भी कहा था। इस संस्था के नाम रखने के लिए घंटा भर, घंटा से भी ज़्यादा होगा, विचार विमर्श होते रहे। तिब्बत उच्च शिक्षा संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटन हायर स्टडीज रखना चाहिए, कुछ लोगों का ये कहना था। तो ये रखते तो स्टडी के साथ तिब्बत नहीं जोड़ते। संस्था जो है वो तिब्बतियों की हैं और हायर स्टडी किसी भी विषय का हायर स्टडी किया जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका अर्थ ये है कि उसमें पढ़ने वाला या पढ़ाने वाले भारतीय होंगे, लेकिन जो अध्ययन करेंगे वो टेक्नोलॉजी की जाकर। तो इसलिए उस समय सब लोगों ने सहमत हुआ कि हायर को पहले रखिए, टिबेटन को स्टडी के साथ जोड़िए, जिससे यहाँ अध्ययन अध्यापन तिब्बती वांग्माय के माध्यम से ही हो। तो इसलिए अंत में चार उद्देश्यों का सुनिश्चित किया गया। मैं कभी कभी नीरू जी के ज्ञान को और उनकी सोच को बहुत अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि वो केवल राजनीतिक नेतृत्व नहीं थे, चीज़ों की बहुत गहराई से वो समझते थे।
तो उन्होंने ये चार उद्देश्यों को निर्धारित करते समय पहला तो था तिब्बती संस्कृति को संरक्षण देना और दूसरा था रिस्टोरेशन का, पुनरुद्धार का। उस समय एक ऐसा वातावरण भारत में उत्पन्न हो चुके थे, उसका नायक महापंडित राउर संगतायन रहे हैं। राउर संगतायन 3 बार तिब्बत में जा कर के वहाँ पर संरक्षित संस्कृत की पांडुलिपियों को, मूल ग्रंथों को देखा, उन्होंने ले भी आया, बहुत सा फोटो करके ले आया, बहुत सा मूल रूप में लाया। तो उससे भारतीय वंगमाएँ जो यहाँ पर विलुप्त थे उस सब तिब्बत में मिलने की आशा राहुल जी ने बना रखे थे, और उनके साथ कुछ लोग भी थे। कुछ लोगों ने कुछ पुनरुद्धार के कार्य भी प्रारंभ कर दिए थे, सर चंद्र दास, डॉक्टर भगवान दास, शांतिबीज शास्त्री, डॉक्टर रघुबेरा आदि आदि, कितना भी नाम, उन सब लोगों ने हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य के भंडार तिब्बत में मिल सकते हैं इसका होता। तो वो नीरज जी के दिमाग में भी बहुत स्पष्ट थे, तो इसलिए भारत में विलुप्त प्राचीन भारतीय साहित्यों को तिब्बती माध्यम से पुनरुद्धार करना, ये दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य और भी बहुत रुचिकर थे, वो थे कि बिहार पद्धति की जो शिक्षा प्रणाली है उसको आधुनिक यूनिवर्सिटी की प्रणाली के अंदर डाल करके इसमें बैठता है कि नहीं बैठता है उसका प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना। और चौथा था जो भारतीय विद्यार्थी तिब्बत में जाकर के अध्ययन करते थे उनको एक नए विकल्प व्यवस्था देना। ये चार उद्देश्य बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित करके नेहरू और उस समय कालूलाल श्रीमाली शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, और कुछ दिनों के बाद कोई दूसरा शिक्षा मंत्री भी बने, तो उन दोनों के माध्यम से ये कह रही, तो सब आपको विदित होगा, लेकिन मैं इसका इस उद्देश्य में 5-6 कैसे पृष्ठभूमि किया था। और इसमें भारतीय आवश्यकता ये थे पुनरुद्धार और भारतीय विद्यार्थियों को एक विकल्प व्यवस्था देना। अब तो मोनास्ट्रीज में बिहारों में भी मिल गया है, तो उस समय बिहारों में इसका व्यवस्था नहीं थे, तो यहाँ हिमालय क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं पहले तिब्बत में जाया करते थे उनको आने का। ये चार उद्देश्य आज भी कायम हैं, तो इसलिए अब लोगों को ध्यान होगा कि इसका जो प्रशासनिक संगठन है वो भी मात्र शिक्षा मंत्रालय पर नहीं छोड़ा। शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अर्थ विभाग तीनों मिलकर के इसकी प्रशासनिक की बॉडीज बनाया गया, और जिसमें परमपावन जी की नामित सदस्य भी लगातार आते थे, और इसके अध्यक्ष के रूप में या तो सरकारी अफसर भी आ सकते हैं या विशेषज्ञ बहुत विद्वान सरकार नामित कर सकते हैं। आजकल में प्रारंभ में यही थे, तो इस उद्देश्य से ये
स्थापित हुआ है, तो इसको एक विश्व की पृष्ठभूमि में, भारतवर्ष की पृष्ठभूमि में और तिब्बती परंपरा की पृष्ठभूमि में, ये तीनों को मिला करके जब देखें तो इसके दूरगामी उद्देश्यों का और इस को भविष्य में कैसा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि बौद्ध परंपरा, तिब्बती बौद्ध परंपरा जिसको कहते हैं या तिब्बती भारतीय परंपरा जिसको कहते हैं, तो ये एक बहुत विशाल चीज़ है। आज संपूर्ण विश्व में कोई 7,000 से अधिक भाषाएं प्रचलित हैं, भारतवर्ष मात्र में भी जो भारत स्वाधीन हुए थे उस समय भारत में एक सर्वेक्षण हुआ तो 179 भाषा चल रहे थे और 584 बोलियां थे, उसमें से करीब 25 भाषाओं के साथ लिपि भी थे, तो एक विशाल भाषा समूह, लिपि समूह भारत में हैं या विश्व में हैं। मैंने कहा कि 7,000 से अधिक भाषाएँ अभी विश्व में प्रचलित हैं, कुछ तो विलुप्त हो गया है, कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं, लेकिन किसी भी भाषा में भारतीय वांग्मयी के अनुवाद का समूह, अभी वाइस चांसलर ने बताया था कि कंजूर और तेंजूर में कितने विषय हैं, क्योंकि संपूर्ण जिसमें तीनों यांग और चारों दार्शनिक प्रस्थान के संपूर्ण वांग्मय जिस भाषा में हैं तो केवल तिब्बती भाषा में हैं। तिब्बती भाषा भारतीय भाषा के अंतर्गत आना चाहिए, क्योंकि भाषा किससे बनते हैं, भाषा अक्षरों से बनते हैं, अक्षर कैसा होता है, अक्षर का काम केवल दो ही होता है, स्वर के रूप में या व्यंजन के रूप में, चार स्वर और 30 व्यंजन के माध्यम से तिब्बती भाषा बनते हैं और उसका लिपि भी है। इसमें से चारों स्वर जो हैं वो संस्कृत स्वर से लिया हुआ है और व्यंजन में 24 संस्कृत के व्यंजन से लिया हुआ है, उसमें केवल 6 भिन्न हैं, तो अधिकांश जो अक्षर के स्रोत हैं वह संस्कृत पर आधारित हैं और लिपि देवनागरी लिपि से ही लिया गया है। BHU में एक प्रोफेसर रहा, उनका निधन हो गया, वो कॉलेज के विद्वान थे, प्राचीन मैथिली लिपि का वो विशेषज्ञ थे, तो इसलिए वो तिब्बती लिपि को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, उच्चैन लिपि वो देखते ही समझ गया कि ये प्राचीन मैथिली लिपि से ही लिया गया हुआ है, उससे बनाया गया है। तो इसलिए आजकल भाषाविद लोग इसको ठीक से समझते नहीं हैं, वर्गीकरण करते समय भारतीय भाषाओं को जो वर्गीकृत करते हैं इंडो आर्यन भाषा का एक वर्ग है, इंडस्ट्रियल लेवल की वजह में इंडो आर्यन और ड्रविडियन का दूसरा वर्ग मानते हैं
और टिबेट बर्मिंग एक तीसरा वर्ग मानते हैं, और एक ऑसेटिक मानते हैं, और दूसरा आदर्श ऐसा वर्गीकृत किया है जिसमें बोट भाषा को टिबेटो बर्मिंग भाषा के वर्ग में रखा है, जिसमें सहमत नहीं हूँ। इसको रखना चाहिए इंडो आर्यन भाषा के वर्ग में। मैंने किस हिमालयन नेतृत्व से कई बार कहा कि बोटी भाषा पर एक व्यापक अनुसंधान होना चाहिए, ये किस भाषा के वर्ग में आते हैं और इसकी प्रारंभ उद्गम कैसे होते हैं। अभी जो लिपि हैं या व्याकरण हैं वो तो संबोट के माध्यम से बनाया गया, इसका कोई विवाद नहीं है, लेकिन उससे पहले बौद्ध भाषा और लिपि थे कि नहीं ये विद्वानों में विभिन्न मत हैं। लेकिन कालचक्र के विमल प्रभा टीका में बौद्ध भाषा का उल्लेख आता है, तो उस समय प्रथम शताब्दी की प्रारंभ ही थे जब विमल प्रभा लिखा गया, तो उस समय भी बौद्ध भाषा थे। लिपि रहा होगा नहीं रहा होगा वो दूसरी बात है, क्योंकि जब से कोई समूह होता है, मानव समूह होता है, मानव समाज होता है, तो भाषा विहीन तो हो नहीं सकते हैं, तो भाषा तो प्रारंभ से रहा होगा। लिपि और व्याकरण या कुछ शब्द की परिवर्तन बीच बीच में, बीच बीच में हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ की संस्था का सर्वोदायित्व में प्राचीन भारतीय वांग्मय के जो क्षति हुए हैं उस क्षति को तिब्बती माध्यम से पूर्ति करने की, और उसके साथ साथ भारतीय भाषाओं में विशेष रूप से राजभाषा में लाने की प्रयास करना। और तिब्बती विद्या है, तिब्बती विद्या भारतीय प्राचीन विद्या से पृथक तो नहीं है, लेकिन तिब्बती विद्या में तिब्बती विद्वानों ने कुछ और वृद्धि किया है, समृद्ध किया है, जैसा चिकित्सा विद्या हो या ज्योतिष हो, गणित हो, ऐसा कई विषय में, उन सब को भी संरक्षण और संवर्धन करने के साथ साथ भारतीय विद्या के साथ इसको जोड़ने की कार्य भी करना होगा। तो इसलिए मेरा केवल इतना ही कहना था कि इसकी उत्पन्न होने का कारण क्या रहा है, उस कारण को देखते हुए भविष्य में इसके दायित्व क्या है, और उन दायित्वों को पूर्ति करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, क्या उपाय हैं, और समय की गति से, समाज के परिवर्तन से, शासन के परिवर्तन से, नियमों के परिवर्तन से जब संस्थाओं को गुजरना पड़ता है, उस समय
मूल उद्देश्यों से भटकने की खतरा ना रहे। इन सब को यहाँ के नेतृत्व को, यहाँ के शासकों को, प्रशासन के कार्य करने वालों को और शिक्षा की काम को संभालने वालों को बहुत ध्यान देना होगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।